स्वच्छ भारत मिशन हरियाणा के कार्यकारी वाइस चेयरमैन सुभाष चंद्र ने शुक्रवार को शहर के सेक्टर 12 स्थित लघु सचिवालय का दौरा कर साफ सफाई का जायजा लिया और शौचालय इत्यादि में सफाई को लेकर खामियां पाए जाने पर अपनी नाराजगी व्यक्त की। वहीं देखिए ये खास रिपोर्ट। स्वच्छ भारत मिशन हरियाणा के कार्यकारी वाइस चेयरमैन सुभाष चंद्र ने शुक्रवार को शहर के सेक्टर 12 स्थित लघु सचिवालय का दौरा कर यहाँ की साफ सफाई का जायजा लिया और शौचालय इत्यादि में सफाई को लेकर खामियां पाए जाने पर अपनी नाराजगी व्यक्त की। उन्होंने उपयुक्त कार्यालय के नगराधीश से इस संबंध में भेंट करनी चाही, लेकिन उनके उपलब्ध न होने पर इस कार्यालय के अन्य वरिष्ठ अधिकारियों व कर्मचारियों के साथ लेकर लघु सचिवालय के सभी तलों, सीढ़ियां व परिसर का दौरा किया। सभी जगह उपयुक्त सफाई न मिलने पर उन्होंने राजस्व विभाग के कर्मचारी से सवाल किए कि लघु सचिवालय जैसा महत्वपूर्ण कार्यस्थल पर साफ सफाई रखने की आखिर किसकी जिम्मेदारी है। उन्होंने इसकी रिपोर्ट भेजने के निर्देश भी दिए। अपने निरीक्षण के दौरान उन्होंने पाया कि शौचालयों में वॉश बेसिन टूटे मिले, महिला शौचालय पर ताला लटके हुए थे। इसके अलावा साफ सफाई का भी बुरा हाल था। सुभाष चंद्र ने लघु सचिवालय के कर्मचारी से कहा कि मुख्यमंत्री हरियाणा के मार्गदर्शन में पूरे प्रदेश में स्वच्छ भारत मिशन के तहत अनेक गतिविधियां चल रही है। स्कूल, कॉलेज व सरकारी कार्यालय भी इनसे जुड़े हैं। लघु सचिवालय ऐसी जगह है जहां सैकड़ों नागरिक अपने कामों के लिए आते हैं और ऐसी जगह पर यदि साफ सफाई की दुर्दशा हो तो इसे प्रशासन के साथ सरकार की भी छवि खराब होती है। उन्होंने यहां के कर्मचारी से कहा कि वे जल्द ही कुछ दिनों के बाद यहां का दोबारा भ्रमण करेंगे और साफ सफाई को देखेंगे। यदि दोबारा साफ सफाई नहीं पाई गई तो इसकी रिपोर्ट सरकार को भेजी जाएगी। सचिवालय पूरे जिले का आईना है, मॉडल है, आदर्श है। यहीं से ही सब प्रकार की सूचना जनमानस तक जाती है, किस प्रकार का काम सचिवालय में है, किस प्रकार की गतिविधियां सचिवालय में है, ये पूरे जिले को संदेश देती है। आज स्वच्छता अभियान को लेकर के जो प्रधानमंत्री जी का और नरेंद्र मोदी जी हमारे जो हैं उनका और हमारे हरियाणा के मुख्यमंत्री आदरणीय श्री मनोहर लाल जी का प्राथमिकता का विषय है और उन्होंने कई बार अपने संदेश के माध्यम से अधिकारियों को, कर्मचारियों को, जनमानस को, सबको ये संदेश देने का प्रयास किया कि हम जिस भी कैंपस में रहते हैं, बैठते हैं, जॉब करते हैं, वो कैंपस के रख रखाव की जिम्मेवारी हम सब की है, विशेषकर ऑफिसर्स की। तो ये पिछले कई दिनों से सचिवालय की शिकायत मीडिया के माध्यम से, जनता के माध्यम से मेरे पास आई थी और उसी को लेकर के आज CTM को मैसेज किया था कि आज मुझे औचक निरीक्षण के लिए आना है। तो CTM को कहीं अपना शाहबाद का भी चार्ज उनके पास है, वहाँ निकलना पड़ा है और मैंने आज यहाँ देखा, सारा दौरा जो किया उस दौरे में बहुत सारी खामियाँ ये पाई गई हैं। जो यहाँ के सार्वजनिक शौचालय हैं उनकी हालत बड़ी बदतर है, जनता कैसे जाती है मैं उसको बयान नहीं कर सकता और ये अधिकारियों के लिए बहुत एक मतलब आईना है जो अपने आप बड़े ऑफिसेज में और अपने उस शौचालयों को साफ सुथरा रखते हैं हर कंडीशन के लिए, हर कंडीशन में, जबकि जनता को क्या मानते हैं, कैसा मानते हैं ये दृश्य है, आज दिखाई दिया। और पूरे कैंपस में सचिवालय में महिला शौचालय वो है नहीं, है तो उसको लॉक है और यदि है तो उसमें कहीं मेंशन भी नहीं है कि ये महिला शौचालय है, इस प्रकार का नहीं है। तो इसके लिए आज यहाँ पूरा निरीक्षण किया है और CTM को भी कहा है कि इसकी पूरी रिपोर्ट तैयार करके मुझे भेजे ताकि मैं मुख्यमंत्री जी को सारी रिपोर्ट दे करके इस सारी स्थिति से उनको अवगत करा सकूँ कि किस प्रकार से अधिकारी स्वच्छता अभियान को लेकर के लापरवाह। एक बार पहले भी आपने निरीक्षण किया था, उसमें भी खामियां पाई गई थी, तो बावजूद उसके अभी तक कोई कार्रवाई नहीं। हाँ बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, बीच में मैंने इंस्पेक्शन किया था और वो इंस्पेक्शन के बाद फिर बीच में चुनाव का दौर प्रारंभ हुआ, चाहे लोकसभा का चाहे विधानसभा का, लेकिन उसके बीच में मेरा आना नहीं हो पाया। बट आज जो देख करके लगा कि अधिकारी इस व्यवस्था को लेकर के, विशेषकर स्वच्छता अभियान के विषय को लेकर के जितने गंभीर होने चाहिए उतने गंभीर दिखाई नहीं दे रहे हैं, व्यवस्था को देख करके लगता है। तो जो अधिकारी गंभीर दिखाई नहीं दे रहे हैं उस पर क्या कार्रवाई आप करेंगे? निश्चित रूप से आज उनको कारण बताओ नोटिस दिया जाएगा
बताया जाएगा और उसका वो नोटिस देंगे और इसकी रिपोर्ट भी माननीय मुख्यमंत्री जी और हमारे जो मंत्री हैं स्थानीय निकाय मंत्री उनके पास और अपना पंचायत मंत्रालय उन सब मंत्रियों को भी इसकी जानकारी हम लोग देंगे।